हेलो गाइज, कैसे हुए? उम्मीद तो है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी मटर की कचौड़ियाँ ले बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कटोरी मटर लिया है, जिसे आप अच्छे से छिल करके इसे अच्छे से धुल ले और इसे आप एक सीटी तिलवा दे या पैन में डाल करके इसे गर्म पानी में उबाल ले। यहाँ मैंने उबला हुआ मटर ही लिया है। इधर आप देख सकते हैं पैन में मैंने एक चम्मच के लगभग बड़ी वाली स्पून से मैंने एक चम्मच तेल डाला है, उसे गर्म कर ले और एक चम्मच के लगभग छोटी वाली स्पून से आप जीरा डालकर उसे अच्छे से तरकने दें। फ्लेम को धीमा ही रखें और जब जीरा अच्छे से तरक जाए तो आप एक से दो मिर्ची कट कर ले और थोड़े से ओनियन, एक ओनियन को मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसे अच्छे से डाल करके इसे भूने, धीमा फ्लेम ही रखें, ज़्यादा ब्राउन ना होने दे, हल्का सा सीख जाए तो आप इसमें मटर डालें। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से यहाँ पे ओल्डन किया है उसी तरह से आप भी करें। आधा हाफ ही कच्चा हुआ है, कच्चा प्याज है, आप देख सकते हैं इसमें मटर डाल करके आप इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे धीमा फ्लेम पर ही आप अच्छे से पकाते जाएं, बराबर से चलाते रहें इसे और मिक्स करते रहें। पर ये बहुत ही सॉफ्ट और कुछ मसाले भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ गरम मसाले आधे चम्मच के लगभग लिया, हल्दी पाउडर डाले और सारे मसाले इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करें। स्वादानुसार आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, एक से दो चम्मच के लगभग नमक डालें और इसे ऐड करें। गरम मसाला चाट मसाला भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, जिसे आप अच्छे से धीमा फ्लेम पर मिक्स करें और आप देख सकते हैं लगभग एक से दो चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे नमक यूज किया है। आप भी इसी तरह से डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। ये आप चाहे तो मिक्सी जार से भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं, आखिर आवश्यकता उसकी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस को बंद कर दे और इसे छोटी सी कटोरी लेकर के उससे आप आसानी से मैश हो जाता है, क्योंकि ये उबला हुआ मटर है तो अच्छे से मैश हो जाएगा। आप गर्मा गर्म में ही इसे मैश करें और इसे फिलिंग बना लें। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गए हुए हैं और हल्का हल्का मटर रहने भी दे, जो दिखने में अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी और यम्मी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आटा भी इधर गूंथ कर रख लिया है, दो मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ दें। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा हो चुका है। आप इसकी लोइयाँ बनाएँ, छोटे छोटे लोइयाँ बनाएं और कचौड़िया का शेप देते हुए इसे फिल कर दे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे फिल किया है। आप भी फिल कर सकते हैं इस तरह से, ठेके की सहायता से इसे दबाते हुए आप अच्छे से फिल करें और राउंड राउंड साइज में आप बना ले। आप इसे पराठे की तरह भी बना सकते हैं, आप को जो शेप अच्छा लगे उससे आप यूज कीजिए और इसे राउंड करके बनाइए। और इसे इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे गोल गोल करके बना रही हूँ, उस तरह से आप भी इसे चिपका दें और अच्छे से राउंड करके इसे सारे को इसी स्टेप से आप बनाएं। मैंने आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये राउंड हो चुका है और आप देख सकते हैं इतनी खस्ती और टेस्टी यम्मी होती है कि मैं क्या बताऊँ। इसी तरह से सारे को आप बना लें। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कई सारी बना लिए हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। इधर आप देख सकते हैं पैन में मैंने रिफाइन गर्म कर लिया है, आप देख सकते हैं, और इसमें धीमा फ्लेम करके रखे और इसे उलट पलट करके अच्छे से गोल्डन होने तक आप पकाएं, जिससे ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी होगा। धीमा फ्लेम ही रखें, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसे जिस तरह से मैंने यहाँ पे ऊपर से हल्का हल्का तेल डालते जाए और अच्छे से इसे मिक्स करें और इसे छान ले। इसी तरह से देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसी तरह पे आप भी इसे निकाल ले और इसे आप चाहें तो चटनी, मैंने यहाँ नींबू वाली मिर्च और आम की चटनी के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो सॉस के साथ भी इसे सर्व करें और इंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और होली पे आप लोग ज़रूर इसे बनाए। थैंक यू, धन्यवाद।